सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच के मामलों में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को तत्काल एक्शन लेने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि जब भी कोई नफरत फैलाने वाला भाषण देता है तो सरकारें बिना किसी शिकायत के एफआईआर दर्ज करें। हेट स्पीच से जुड़े मामलों में केस दर्ज करने में देरी होने पर इसे अदालत की अवमानना माना जाएगा। मामले में अगली सुनवाई 12 मई को होगी। कोर्ट ने कहा ऐसे मामलों में कार्रवाई करते हुए बयान देने वाले की धर्म की परवाह नहीं करनी चाहिए। इसी तरह धर्मनिरपेक्ष टेक्स्ट की अवधारणा को जिंदा रखा जा सकता है। कोर्ट ने अपने 2022 के आदेश का दायरा बढ़ाते हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह निर्देश दिए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ यूपी, दिल्ली, उत्तराखंड सरकार को यह आदेश दिया था। अदालत ने कहा कि हेट स्पीच एक गंभीर अपराध है जो देश के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने को प्रभावित कर सकता है। जस्टिस के एम जोसेफ और बीवी नागरत्ना की बेंच ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि हम धर्म के नाम पर कहां पहुंच गए हैं, यह दुखद है। न्यायाधीश गैर राजनीतिक हैं और उन्हें पार्टी या पार्टी बी से कोई सरोकार नहीं है और उनके दिमाग में केवल भारत का संविधान है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट देश के विभिन्न हिस्सों से दाखिल हेट स्पीच से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ।